बाबू का मत भाई हो दादा अभी हम बिहार के सिवान जिला के दोन गांव में उपस्थित है जहां से एक 20 वर्षीय वीर शहीद हो गए हैं जिनका नाम प्रदीप यादव था। ये जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करते दौरान ये भारत माता की रक्षा करते दौरान उनको गोली लगने से ये भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसमें दुख का माहौल बना हुआ है, सभी के नाखे नम है और यहाँ पे शहीद प्रदीप यादव जी की मम्मी है जो कि यहाँ पे इनके नाखे नम है और किस प्रकार ये इनकी स्थिति काफी खराब हो गई है रोने के कारण। अच्छा अंतिम बात ना ना कुछ अंतिम बार प्रदीप जी से कब रहुआ बात भी रहुआ अंतिम बार चार दिन पहले भइल बा जहिया डेट कइले बड़ा ओही दिन हमर बाबू के। अच्छा। एक दिन पहले। अच्छा एकरा पहले कब आइ रहनी प्रदीप जी जोन शहीद हो गए नवंबर में बाबू हमर आइल बा नवंबर में गइल बा बाबू के आज हम 13-14 दिन कइले भइल हो दादा। अच्छा प्रदीप जी रउआ से का कहत रहनी है देश के बारे में जब घरे आई रहनी तो आखिरी बात का कहले रहनी कुछ ना कहिए ना हमरा से कहीं बताइए सर उसका जिसका जवान बेटा चला गया उसके घर वही एक कमाने वाला था जी जी। उसके घर कोई उसका भरण पोषण कर उसको चाहिए कि किसी एक को उसको नौकरी दे किसी एक को। अच्छा। क्या करेंगे सर ये कुछ नेता नहीं करेंगे वो सिर्फ आते हैं अपने बाहबाई के लिए आते हैं किसी चीज के लिए नहीं आते हैं। इससे पहले आप लोग का शिकायत है कि कोई नहीं नेता जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया इससे पहले कोई नहीं आया बस एक ब्लॉक प्रमुख आए और कोई नहीं आया। अभी फोटो खिंचवाने के लिए नेता यहाँ पे आए हैं नहीं तो तीन दिन में कोई यहाँ पे पूछने नहीं आया। सर हम सरकार से ये मांग करते हैं उसके बड़े भाई को बिहार सीआरएफ पे उसको नियुक्त किया जाए उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक भाई है वो अगर घर पर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों में काफी गुस्सा का माहौल है क्योंकि अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आए थे और जब इनकी शव यहाँ पे आया गाँव में तब ये रहे लोगों का ये शिकायत है की फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा आखिरी बार प्रदीप जी से बात आखिरी बार मंगलवार के दिन अपने बाबू के लगावत रहवी हो दादा। अच्छा अभी सरकार से रहुआ का मांग हमारा बाबू भारत माता खातिर शान से चल गइला हन हमरा एगो भाई बड़न वो शान से जइहन हम शहीद हो जाए मुंगा भारत माता पर भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद जय भारत प्रदीप यादव मरे अमर रहे। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इनकी आंखें नम है और बात करने के हालात में नहीं और कहीं ना कहीं यहाँ पे दुख का माहौल है क्योंकि किसी ने अपने बेटा का खोया है तो किसी ने अपने भाई को खोया है। हमरा बाबू के पोस्टिंगवा हमरा बड़का भैया के दे दलो अभी भी बहुत सारे लोग इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं प्रदीप यादव जो कि भारत देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए यहाँ पे यही उनका घर है और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे घर पे आए थे और भव्य तरीका से यहाँ पे उनका स्वागत किया गया था। ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पे इसी घर में आए थे और काफी अच्छे तरीके से स्वागत किया गया लेकिन आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ से लेके चला गया है। और आइए यहाँ पे और कुछ लोग हैं इनसे भी बातें जानने का प्रयास करेंगे कि उनका मतलब कोई निशानी में हम लोग का कोई शहादत के लिए उनका कोई निशानी चाहिए हम लोग का। अच्छा अच्छा ठीक है किस रूप में चाहिए निशानी तो क्या क्या बोल रहे हैं स्टैचू बनना चाहिए यहाँ पर। अच्छा ये अभी क्या बोलना चाहते हैं प्रदीप यादव जी को क्या क्या मिलना चाहिए क्या क्या आप सरकार से बिहार सरकार तो अभी तक कुछ इस पर कुछ नहीं बात की है भाई बिहार सरकार को कुछ राहत कुछ देना चाहिए गरीब लड़का है अपने घर में ही कमाने वाला थे बिहार सरकार इस पर कोई भी बयान भी नहीं दिए अभी तक नहीं दिए इतना सरकार निकम्मी सरकार है। अच्छा प्रदीप यादव जी अगले मतलब इससे पहले कब इसके पहले कब आए थे गांव में छठ के दिन आए थे गांव में सभी लोग से गांव नगर से मिल उल के सभी लोग से गए 24 तारीख को गए थे यहां से। अच्छा, लास्ट में क्या वो क्या बोलते थे आप लोग के गांव के युवा लोग को क्या बोलते थे हमारे दोस्त थे हम बचपन से उनके साथ दौड़ते थे मुठभेड़ करते थे ठीक है हम वो जैसे कि यही बात बोलते थे यार चलो घूम लेते हैं पता नहीं सरकार की नहीं आएंगे चलो घूम लेते हैं दरौली जाके घूम के आते थे ये बोलते थे कि पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे चलो यार घूम लेते हैं। उसके बाद से मतलब बहुत अच्छा लड़का था जो के साथ ही रहता था वो एनी टाइम ग्राउंड में भी या रोड में कहीं भेंट होता है कहीं भी चलो भाई घूमने चलते हैं कब आएंगे छुट्टी पे भी आता था तो जितने भी ग्राउंड में लड़के थे उनके साथ दौड़ाता था उसको भी दौड़ जितने भी लड़कियां थी जिनका फिजिकल था वो उनके साथ दौड़ता था बताता था कि ऐसे दौड़ना चाहिए ऐसे करना चाहिए बहुत अच्छा लड़का था उससे मतलब
लड़के बहुत प्रेरित हुए थे, एक दो का और नौकरी भरा का उससे प्रेरित होके। अच्छा, आप लोग क्या सरकार से क्या मांगे हैं? आप लोग सरकार से ये मांग है कि उसका एक स्टैचू बनना चाहिए, पेट्रोल पंप उसके नाम पे बनना चाहिए। अच्छा, स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल है उसका, उसका जो स्टेडियम है हमारे द्रोणाचार्य स्टेडियम, उसके नाम पे स्टेडियम किया जाए, उसके सामने ही उसका जिस ग्राउंड में वो दौड़ता था उसी ग्राउंड पे उसका स्टैचू बनाया जाए। बिहार सरकार से उन गरीब परिवार के लिए कुछ राहत कुछ दिया जाए? अभी तक बिहार सरकार चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं इस पे बोले हैं। अच्छा, इससे अभी अभी तक दो उनकी घटना 12 दिसंबर को होती है, आज 14 दिसंबर 15 दिसंबर हो गया, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई अभी नेता नहीं आया सर, गरीब पर जो गांव के प्रतिनिधि के लिए अभी तक कोई नेता होता नहीं आया है, कोई नहीं आया। सबको पता है, सबको पता है क्या हुआ है, पूरे सिवान का पूरे बिहार को भी पता है, विधायक अभी तक नहीं आया है देखने के लिए। कौन विधायक? 4 दिन हो गया यहाँ पे, क्षेत्रीय जितना भी नेता है अभी तक एक बार पूछने भी नहीं आए हुए कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। हम लोग 4 दिन से एक दिन और रात एक ही करके रखे हुए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे स्थानीय विधायक है सद्देव राम जी, वहाँ पे एक बार भी पूछने भी नहीं आए हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जबकि वोट मांगने के लिए दौड़े चले आते हैं। अब ऐसे नेता का हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग करने के बाद प्रदीप यादव जी जो कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, इसी द्वार पे हम देखे थे काफी भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया था, कब का बात है, कितने दिन? 1 फरवरी में उनका ज्वाइनिंग हुआ था ट्रेनिंग, 2022 में फरवरी में का दिन था। कहीं ना कहीं लोगों के बीच काफी नाराजगी है क्योंकि आज 12 दिसंबर को यह घटना 12 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में ये प्रदीप यादव जो कि शहीद हो जाते हैं मुठभेड़ में, और आज 15 दिसंबर है, आज तक कभी अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आए हैं, और आज लोगों का ये शिकायत है कि आज फोटो खिंचवाने के लिए बहुत लोग आए थे। वो अपना ज्वाइनिंग फरवरी 2023 में ज्वाइनिंग किए थे पटना दानापुर से, जो दानापुर रेजिमेंट से नासिक में ट्रेनिंग कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे आए छुट्टी में आए, फिर छुट्टी में आए सबसे अपने दोस्तों से मिले, अच्छा व्यवहार से सबसे खुशी माहौल से रहे, उसके बाद यहाँ से गए छुट्टी पे इसी 24 तारीख को गए और बोल के आए, और जाने के टाइम में भी वो बहुत उदास थे, ऐसा लग रहा था हम लोग कि वो मतलब जाना नहीं चाहते वहाँ पे। अच्छा, ज्वाइन कब किए थे? 2023 में, फरवरी 2023 में। कितना मंथ हो गया अभी? समथिंग पूरा ड्यूटी छुट्टी लेकर के समथिंग 7 से 8 महीना के करीब। पहला मंथ था ये पहला पोस्टिंग था जम्मू कश्मीर में। अभी उनको 8 महीने ड्यूटी ज्वाइन किया हुआ होता है, और जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान उनकी गोली लगने से वो भारत माता के लिए शहीद हो जाते हैं, और गांव में देख सकते हैं लाखों की संख्या में भीड़ लगी हुई थी, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से, और यही जगह है जो ट्रेनिंग करने के बाद वो आते हैं और भव्य तरीके से उनका फूल और माला से स्वागत किया जाता है, और अभी उनकी शव यानी कि पार्थिव शरीर आया था और ले गए हैं उनको अंतिम संस्कार करने के लिए। भारत माता के वीर सपूत अमर रहे, ऊपर भागा।
भारत माता के वीर सपूत अमर रहे। देवता बड़ा उधार है जरूरत।